हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी श्रेष्ठा। सो गाइस, इस वीडियो को मैंने जब शूट करा था तो मेरे दिमाग में एक जो टाइटल था वो था कि यार फर्स्ट व्लॉग एज एन 11th ग्रेडर करके डालना है। एंड मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से यार पूरे दिन का व्लॉग शूट करा था। एंड मैंने सोचा था कि यार एक दो दिन में इस वीडियो को एडिट करके मैं पोस्ट कर दूँगी। एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग वॉज डन, बट देन मेरे को इस वीडियो की पूरी एडिटिंग की क्लिप्स को हटाना पड़ा, सारे वॉइस ओवर्स को कट करना पड़ा। एंड द रीज़न वॉज, एज यू ऑल नो, मेरे पास कॉमर्स विदाउट मैथ्स है, थी। मैंने उस सब्जेक्ट को अपना चेंज करवाया। एंड लेट मी टेल यू वाई आई हैव डन दिस। तो देखो यार, मैंने जिसकी अपनी एक वीडियो में, जिसमें मैंने स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम लिया, ये वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी, उस पर मैंने बताया था कि यार मेरे पास फिज़िकल एजुकेशन या साइकोलॉजी में से मैं एक 6th सब्जेक्ट लेने वाली हूँ, जो कि मतलब यार एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है तो उसमें सपोर्ट मिल जाता है सारे सब्जेक्ट्स के साथ। बट जब मैं अपने कोऑर्डिनेटर, अपने सुपरवाइज़र के पास गई बात करने कि यार आई वांट टू टेक एनी 6th सब्जेक्ट, तो उसका क्या क्राइटेरिया, क्या फॉर्म वगैरह फिल करने हैं, एंड उन्होंने कहा कि 6th सब्जेक्ट हमारे स्कूल में 11th में नहीं होगा। एंड दैट वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। मैं काफ़ी ज़्यादा यार खुश थी कि यार मेरे को इतना बढ़िया सब्जेक्ट्स मिले हैं, बट मेरे को 6th सब्जेक्ट तो कंपलसरी चाहिए था। एंड जब ये मेरे को सुनने में आया कि यार इस बार ही नहीं दे रहे हैं, बस दैट वाज एक्चुअली वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। एंड मैं घर पे आके काफ़ी ज़्यादा यार थोड़ी सी परेशान भी हुई थी, क्योंकि आई वांटेड साइकोलॉजी, जो कि मेरे को मतलब अपने फ्यूचर में आई वांट टू, आई नीड द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी, इसलिए मेरे को साइकोलॉजी चाहिए थी। एंड जो भी मेरे फ्यूचर गोल्स हैं यार, वो आप लोगों को वीडियोज़ में तो पता लग ही जाएगा आगे, बट मेरे फ्यूचर गोल्स में साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर यार साइकोलॉजी ही नहीं मिलेगी मेरे को, देन कैसे होगा ना सब कुछ आगे का। इसलिए आई हैड टू टेक अ डिसीजन, दैट वाज आई हैव टू चेंज माय स्ट्रीम। अब देखो यार, ये काफ़ी बड़ा डिसीजन था, क्योंकि मेरा मन अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ में पूरा लग गया था। तुम ये वीडियो की क्लिप्स देखकर गेस कर सकते हो कि मैं कितना खुश थी यार पढ़ते हुए। मैं टोटली अपनी पढ़ाई को इन्जॉय कर रही थी, एंड आई वॉज़ लविंग टू स्टडी बिजनेस स्टडीज़ या फिर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स। आई वॉज लिटरली लविंग स्टडिंग देम। बट यार, वेन यू हैव टू डू समथिंग ग्रेट, देन यू हैव टू डू सम सैक्रीफाइसेस ऑल्सो। सो वही बात है यार। बट फिर मैंने एक हार्श डिसीजन लिया कि आई विल चेंज माई स्ट्रीम। मैंने एक एक चैप्टर अपने बिजनेस और अकाउंट्स के कर लिए थे, बट यार अब मेरे को कॉमर्स विदाउट मैथ्स को छोड़ना पड़ेगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़। तो हमारे स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ और साइंस में ही मिलती है साइकोलॉजी बस। तो ये यार, ये चीज़ मेरे को पहले बताओ तो मैं पहले से ही ह्यूमैनिटीज़ लेके चलती। ऑफकोर्स साइंस में ज़्यादा इतना इंटरेस्ट है नहीं मेरा कि यार साइंस को ही अपने करियर में लगाऊं। सो वही चीज़ है। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट तो हूँ कि मेरे को ये नहीं पढ़ने को मिलेगा, बट रिग्रेट फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि यार आगे चल के जो भी होगा बढ़िया होगा। इसलिए अभी मैंने अपनी स्ट्रीम दूसरी करने का डिसीजन लिया है। एंड जिस दिन तुम ये व्लॉग देख रहे हो, उसके जस्ट नेक्स्ट डे, दैट मीन्स मंडे को, मैं स्कूल में जाके एप्लीकेशन दे दूँगी कि मेरे को स्ट्रीम चेंज करवानी है अपनी। आई वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़ नाउ। तो क्या क्या सब्जेक्ट हैं यार, ये तो मेरे को अब बाद में ही पता लगेगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ कॉमर्स विदाउट मैथ्स के ही, कॉमर्स के ही सब्जेक्ट्स पता थे। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ में, ये मेरे को मंडे को ही स्कूल जाके पता लगेगा। एंड यार ठीक है, जो हुआ है अच्छा हुआ है, मैं काफ़ी खुश भी हूँ, बट थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत कम डिसअपॉइंटेड हूँ। सो गाइज, यही अपडेट मेरे को आप लोगों को देनी थी। एंड इसीलिए यार दो दिन आई गेस हो गया कि वीडियो नहीं आई है, क्योंकि मैंने यार काफ़ी सोचा, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही थी, बट फिर मैंने फाइनली डिसीजन लिया एंड आई विल गो विद ह्यूमैनिटीज़ नाउ। सो यस गाइज, यही अपडेट मेरे को आप लोगों को बतानी थी कि आई एम ऑप्टिंग फॉर ह्यूमैनिटीज़ नाउ। सो ठीक है यार, अब आगे की वीडियोस में आपको और अपडेट्स पता लग जाएंगे। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग टुडेज़ वीडियो। अगर आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई, सो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अलॉट टू मेक दीज टाइप्स ऑफ न्यू वीडियोज़। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।